फ्रेंड्स, तो मैं हूँ मुकेश। आप स्वागत है मुकेश टॉक पे। तो फिर मैंने अपने पिछली वीडियो में इस स्मार्ट वॉच की अनबॉक्सिंग किया था और उसका रिव्यू भी दिया था आपको पिछली वीडियो में। तो आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया, आप जाकर वहाँ से देख सकते हैं। तो फिर आपने पिछली वीडियो में बताया था कि इस स्मार्ट वॉच में आपको क्या फीचर्स मिलते हैं और क्या ये स्मार्ट वॉच आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, मैंने पिछली वीडियो में पूरा बताया हुआ है। तो फिर पिछली वीडियो में आपने मुझसे कई सारे कमेंट किए और सवाल पूछे हैं मुझसे कई सारे हैं। तो फिर कि आपने सवाल पूछे हैं कि मुझसे कि स्मार्ट वॉच को फोन से कनेक्ट कैसे करते हैं और इसमें टाइम सेट कैसे करें। आपका अगला सवाल था कि इस स्मार्ट वॉच को मैं अपनी वॉलपेपर पे अपनी फोटो कैसे लगाएं, और आपने पूछा था कि इसमें गेम कैसे खेलें और इसको एक बार चार्ज करने पे ये स्मार्ट वॉच कितने दिन चलता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके ढेर सारे सवाल का जवाब देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना भूलिए, और इसी वीडियो को देखने के लिए आप सब्सक्राइब करके बैठ जाइए। वीडियो को शुरू करते हैं। इस स्मार्ट वॉच को फोन से कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा जो आपको स्क्रीन में दिख रहा है फ्रेंड्स, ये रहा वो ऐप है, इसका नाम है फिट प्रो। फ्रेंड्स, अपने इस ऐप को डाउनलोड करोगे उसके बाद ये कनेक्ट हो पाएगा। तो मैं जिससे मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है, अब जो फटाफट इसको ओपन करते हैं। तो फिर मैंने इसको ओपन कर लिया, देखो ये अभी ओपन हो रहा है। तो मैं मांगना है एग्री, तो उसको एग्री कर देते हैं। देखिए कर दिया इसको एग्री। तो मैं जैसे देखते हैं अब ये जो एग्री बोलते जा रहा है, थोड़ा परमिशन देते हैं, जो अलाउ मांग रहा है अलाउ कर दो फटाफट। ठीक है, जैसे ऑन हो चुका है। अब तो इसको आप फोन कैसे कनेक्ट करोगे, देखो फ्रेंड्स हम जिस सेट का ऑप्शन पर देखो लिखा हुआ है या सेट, जिसे क्लिक करोगे देखो यहाँ पर ऊपर जो फ्रेंड्स यहाँ लिखा हुआ है, देखो ये फ्रेंड्स आ रहा है ये बाइंड डिवाइस। ठीक है, तो उस पर क्लिक करते हैं। तो फ्रेंड्स ये रहा, अभी इसको सर्च कर रहा है फ्रेंड। अब देखो मेरे ऊपर आ चुका है, मेरा आईडी नंबर ये रहा 716। तो ये रहा फ्रेंड्स, इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं देखिए कनेक्ट हो जाएगा। तो जैसे कनेक्ट हो चुका है फ्रेंड्स ये रहा, देखो कनेक्ट हो चुका है फ्रेंड्स ये रहा, देखो फ्रेंड्स ये रहा, देखो यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। आगे आगे यहाँ पर लिखा हुआ, अब जो भी है आपको जो मोबाइल इसमें देखते हो स्मार्ट वॉच में, आप अपने फोन में आप देख सकते हो। तो आप दिन में कितने स्टेप चलते हो आपको तो यहाँ दिखाओ, यहाँ क्लिक करोगे स्टेप, जो भी आप स्टेप चलोगे यहाँ देखो जीरो है, यहाँ पे भी जीरो दिखा रहा है फ्रेंड्स। अब जितने स्टेप यहाँ चलोगे वो आपको यहाँ फोन दिखा देगा। तो यहाँ चेक कर सकते हो आपकी हार्ट बीट कितनी है, आप यहाँ से चेक कर सकते हो अपनी हार्ट बीट। देखो यहाँ से ये रहा इसमें हार्ट बीट, अब यहाँ से स्टार्ट करोगे मेजरमेंट, देखो यहाँ से स्टार्ट किया तो फिर देख सकते हैं यहाँ से अपने आप ही ऑन हो गया। तो मैं यहाँ कुछ भी नहीं किया, तो अपने फोन से आप स्टार्ट कर सकते हो इसको। तो फिर जितनी भी आपकी हार्ट बीट होगी अपने आवाज़, तो मैं कभी कैंसिल करता हूँ मैं इसको भी। फ्रेंड्स, अब आपका अगला सवाल था कि इस स्मार्ट वॉच में अपनी वॉलपेपर अपनी फोटो कैसे लगाएं। तो मैं बताता हूँ आपको वॉलपेपर अपनी फोटो कैसे लगा सकते हो। तो फिर जैसे लिखा हुआ है सेट का ऑप्शन, तो यहाँ पर क्लिक करो सेट के ऑप्शन पे। तो फिर देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है डायल सेटिंग, फिर देख सकते हैं ये लिखा हुआ। तो फिर आपको डायल सेटिंग में क्लिक करना है। फिर जैसे ऑन हो चुका है, तो फिर यहाँ जाओ रिकमेंडेड पर, यहाँ से क्लिक करोगे जाओगे यहाँ पर, देखो यहाँ पर अब देखो क्लिक कर दिया अपने फोटो पर, किसी फोटो पर क्लिक कर दो तो यहाँ पर लिखा हुआ देखो चेंज द डायल, तो देखो लिखा हुआ यहाँ पर क्लिक करोगे आप, तो फ्रेंड्स यहाँ से आप अपनी फोटो लगा सकते हो आराम से। फ्रेंड्स अपनी फोटो आप दिखाता हूँ लगा के। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने अपनी ये फोटो ले ली, फ्रेंड देखते हैं ये फोटो ले ली मैंने, अब क्या करना है बस यहाँ पर फोटो ले ली। आप चाहे चेंज कर सकते हो फ्रेंड्स इसका, देखो आराम से चेंज कर सकते हो डायल इसका, कैसे करना है आपको देखो लगा सकते हैं। जैसे मैंने ये लगा लेता हूँ, सेट कर लिया मैंने। ठीक है फ्रेंड्स, ये आप सेट कर देता हूँ उसको। ठीक है, हो चुका है फ्रेंड्स, यहाँ से आप क्लिक करोगे फ्रेंड्स ये सेव हो जाएगा। वो करता हूँ सेव, ये देखो यहाँ से किया, यहाँ लिखा हुआ है तो फिर देखते हैं। जैसे यहाँ घड़ी में दिखा दी फ्रेंड्स, जैसे अपडेट हो रहा है फ्रेंड्स, घड़ी में दिखा आपको आ रहा है लिखा हुआ, यहाँ पर देखो हो रहा है अपडेट, यहाँ मोबाइल से कनेक्ट हो रहा है फ्रेंड्स, यहाँ भी हो रहा है देखो दोनों तरफ। बात करते हैं आप सवाल के बारे में और चार्जिंग टाइम के बारे में। फिर अगर आप इसको एक बार चार्ज करते हो तो ये कम से कम दो दिन तक आराम से चलाता है बिना चार्ज के, फिर आराम से एक बार चार्ज करने के बाद दो दिन चल जाएगा आराम से ये। तो फिर बैटरी बैकअप के बारे में तो काफ़ी अच्छा है फ्रेंड्स, इसमें बैटरी बैकअप में कोई दिक्कत नहीं आई है। फिर जैसे होने देखो फ्रेंड्स, हो चुका है ये, देखो यहाँ लगी फोटो में दिखेगी, तो बस यहाँ देखो मेरी फोटो लगी आगे। तो फिर इससे आप आराम से अपनी फोटो चेंज कर सकते हैं। फिर पता क्या आपका, फिर आपका अगला सवाल था कि आप स्मार्ट वॉच से ही अपनी फोटो कैसे खींच सकते हैं फ़ोन से। तो फिर देखते हैं, तो फिर पहले इसको लगा लेता हूँ फ्रेंड्स ये रहा, फ्रेंड्स जैसे ये रहा फ्रेंड्स, ये आपको जाना है कैमरे के ऑप्शन पे, जैसे आगे मोर में क्लिक करके रखोगे फ्रेंड्स स्लिप वेदर, तो फिर आगे कैमरा ऑप्शन जैसे क्लिक करके रखोगे तो फिर देखते हैं फ़ोन में अपने आप ही कैमरा ऑप्शन ऑन हो गया। फ्रेंड्स देखते हैं ऑन हो गया कैमरा, फिर जैसे मैं देखो क्लिक करूँगा इस पर, तो फिर ये देखो फिर फ्रेंड्स फोन में टाइम शुरू हो गया और अपने आप ही फोटो क्लिक हो जाएगी। तो फिर जैसे फोटो क्लिक देखो अपने आप ही फोटो क्लिक हो गया फ्रेंड्स ये। तो
फ्रेंड्स आप बताना, अगर आपको फोन कहीं गुम हो जाए ठीक है तो फोन कैसे ढूंढोगे फ्रेंड्स? तो यहाँ पे देखो लुकिंग का लिखा हुआ है, लुकिंग फॉर, फोन में जाओगे इस पे देखो क्लिक करोगे, जैसे मैं फिर से दिखाता हूँ फ्रेंड्स। देखो आप यहाँ से जाओगे मोर का ऑप्शन, देखो क्लिक कर जाओगे जाओगे या आगे मोर, इस पर क्लिक कर रखोगे फ्रेंड्स। देखिए ये फोन मैंने रखा हुआ है ठीक है, जो स्लीप वेदर कैमरा आ गया, अब फ्रेंड्स ये आ गया लुकिंग फॉर, तो फिर क्लिक कर रखो वैसे देखो। तो फ्रेंड्स जैसे आपको फोन से तुरंत आवाज़ सुन जाएगा फ्रेंड्स, जहाँ भी कहीं होगा तब फोन से तुरंत सुन सकते हो। वैसे अगर आपको कहीं घड़ी कहीं रखा हो तो फ्रेंड्स घड़ी कैसे ढूंढोगे? तो घड़ी रखा हुआ है तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा हुआ है, देखते हैं यहाँ पर जैसे फैन का ठीक है, तो फैन पर देखो यहाँ क्लिक करोगे फ्रेंड्स, जैसे यहाँ क्लिक किया मैंने तो फिर तुरंत आपकी घड़ी है, तो फ्रेंड्स घड़ी बदलने लगी अपने आप ही। तो फिर से दिखाता हूँ क्लिक करके आपको, ये रहा घड़ी यहाँ पर है ना, और ये रहा फोन ठीक है। तो मैं ऐसा करके दिखाता हूँ आपको, यहाँ क्लिक करता हूँ, ये देखो ये रहा, ये देखो फ्रेंड्स बदलने लगी घड़ी। तो फिर ऐसे आप घड़ी गुम हो या फोन गुम हो तो आप एक दूसरे से आप ढूंढ सकते हो फ्रेंड्स, ये कनेक्ट रहने के बाद आप कहीं भी रखाओ ढूंढ सकते हो। तो फिर आप बात करते हैं अगला चीज़ आपको फ्रेंड्स, अगर मैसेज कैसे आएगा तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ मैसेज पोस्ट ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक करोगे आपको जिस चीज़ को मैसेज चाहिए, चाहे व्हाट्सअप चाहिए हो, फेसबुक चाहिए हो, ट्विटर, इंस्टाग्राम, किसी चीज़ मैसेज हो तो आपको यहाँ पर ऑन करना पड़ेगा। जैसे मैसेज मुझे चाहिए इंस्टाग्राम चाहिए तो मैं इंस्टाग्राम को यहाँ पर जैसे यहाँ क्लिक करूँगा ओपन करूँगा, फिर वहाँ जाकर अलाउ कर देता हूँ फिट प्रो, यहाँ से अलाउ दिया, उन्होंने ऑप्शन दे दिया है अलाउ कर दिया फ्रेंड्स ठीक है। अब जाकर जिसको चाहिए, जिसको मैसेज चाहिए आपको उसको ऑन कर दो, जैसे मुझे चाहिए इंस्टाग्राम के तो मैंने इंस्टाग्राम को ऑन कर दिया, अब मुझे चाहिए व्हाट्सएप के मैसेज चाहिए तो मैंने व्हाट्सएप को यहाँ पर ऑन कर दिया। तो फिर आप जिससे उसको मैसेज ऑन कर सकते हो यहाँ से, जैसे आपको आपसे जो कोई मैसेज आएगा फोन पे आप अपने घड़ी में आप देख सकते हो। यहाँ पर जैसे दिखाता हूँ, यहाँ पर देखो घड़ी पे जाओगे फ्रेंड्स, ये रहा जिस दिया मैसेज ऑप्शन, आप उसको क्लिक कर रखोगे तो आपको जो भी मैसेज आएगा वो आप यहाँ देख सकते हो घड़ी में ही। फ्रेंड्स मेरा अभी ये देखो जिसते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर स्विच ऑफ हो चुका है मेरा, अभी जो चार्ज नहीं था इसलिए स्विच ऑफ हो गया है। पहले दिखाता हूँ चार्ज कैसे रहते हैं, फिर मैंने इसको निकालते हैं यहाँ पर, तो बस ये बत्ती है जो सीओली बत्ती, उसको निकालोगे अब यहाँ से देखो ऐसे खींच के आराम से लगाना है, चाहे किसी चार्जर में या पावर बैंक में, पर पावर बैंक है पावर बैंक लगा लगा के दिखाता हूँ आपको, यहाँ लगाया इसने फिर ये लग गया पावर बैंक में, फिर जिससे यहाँ पर चार्ज हो रहा है जिसते ये ऐसे चार्ज होता है, तो फिर इसको ऑन करते हैं अब तक चार्ज हो रहा है ठीक है। तो फिर आपका सवाल था कि घड़ी में टाइम को सेट कैसे करें, तो फिर जैसे आप फोन से कनेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका टाइम सेट हो जाएगा, जो आपको मोबाइल में टाइम चल रहा है उसके उसी हिसाब से आपका टाइम चल जाएगा। फ्रेंड्स आप बता देता हूँ, अगर मान लो कोई जैसे घड़ी है तो जैसे आप ऐसे हाथ से ऐसे करते हो तो आप ऑटोमेटिक आपको ये सेंसर काम करके तुरंत ऑन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स कैसे ऑन करें दिखाता हूँ, तो मैं जैसे यहाँ लिखा हुआ है रेस्ट टू वेक, तो फिर फ्रेंड्स पहला वाला ही है उसमें देखो यहाँ पर क्लिक दिख रहा है आपको फ्रेंड्स, यहाँ क्लिक करोगे पहले वाले ऑप्शन पर, तो फ्रेंड्स जैसे यहाँ पर अभी ऑफ है ठीक है, तो फिर जैसे मैं इसको ऑन कर दूंगा, जैसे यहाँ पर ऑन कर दिया ठीक है, जैसे ऑन कर दिया ठीक है, मान लो फोन जैसे देख सकते हैं ये मैं घड़ी ऐसे, तो मैं जैसे सीधा करूँगा जैसे सीधा कर दिया जैसे तुरंत ऑन हो गया फ्रेंड्स, देखते हैं वापस क्या ऑफ हो जाएगा, अब तो ऐसे करूँगा जिससे अभी देखो चालू हो जाएगा। तो सवाल था कि इस स्मार्ट वॉच में गेम कैसे खेलें, तो फ्रेंड्स ये स्मार्टफोन काफ़ी सस्ता है, इसमें आप गेम नहीं खेल सकते हो, स्मार्ट वॉच चाहिए तो वो काफ़ी महंगा आता है 2-2.5 हज़ार का, तो फिर इस स्मार्ट वॉच में आप गेम नहीं खेल सकते हो। तो फ्रेंड्स अगर बात करें अलार्म सेट करने के बारे में, तो फ्रेंड्स जिसने आपका अलार्म का ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर देखो थर्ड नंबर का ऑप्शन है अलार्म का, फ्रेंड्स यहाँ पर क्लिक करोगे अलार्म पे, तो ऊपर देखो आपको प्लस का आइकन दिया हुआ है, वहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको जितने बजे अलार्म सेट करना है, जितने बजे चाहे लगाना हो 4-3 बजे जितने बजे लगाओ, जैसे मैंने 7 बजे लगाया ठीक है, सेट करो यहाँ से टाइम कितना चाहिए आपको, ट्यूजडे मंडे जो भी चाहिए यहाँ पर फिर से कंफर्म कर दो बस यहाँ पर देखते हैं। फ्रेंड्स ये देखो मैं अलार्म सेट हो चुका है, आराम से इतने बजे अलार्म बच जाएगा। फिर इसमें आपको और भी कई सारे ऑप्शन दिए हैं, जैसे कि आप अपने इससे इस फोन से ही इसको रिसेट कर सकते हैं आराम से, चाहे आपका जो वेदर चेक कर सकते हो, चाहे मौसम चेक आप क्या कर रहे हो वो सब चेक कर सकते हो यहाँ से, जैसे मौसम टाइम रन कितना अच्छा चला आपने वो सब चेक कर सकते हो फ्रेंड्स फोन से ही। तो अगर आपको अभी कोई सवाल छूट गया हो तो मैं इसे कमेंट कर पूछ सकते हैं, आपको ये स्मार्ट वॉच बाय करना हो तो मैंने इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाके उसको वहाँ से बाय कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक करना भूलिए, ऐसी वीडियो को देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, तो मैं ऐसी वीडियो के साथ नई वीडियो में।